greatest skill of all time, because I literally mean it. देखिए, एक स्पीच की शुरुआत कैसे होती है, जैसे आप सभी में से कई लोग कंफ्यूज हैं कि मैं कैसे कैसे शुरुआत करूं, कौन सी चीज से शुरुआत करूं। ठीक है दोस्तों, अब मान लो आपको कुछ अलग करना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोला, उसके बाद अपना राइट हैंड उठाइए और अपने कंधे पे थपथपा दीजिए, क्योंकि आज से पहले तक इतने सालों से आप अपना बोझ, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी चैलेंजेस को लेके चल रहे हैं और फिर भी आगे बढ़ने का जज्बा आपके अंदर है। वाह, वंडरफुल। ओके, ऐसे कई सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी स्पीच शुरू करने से पहले इस तरह का कोई एक कनेक्शन पॉइंट हो जाए, छोटा सा कनेक्शन पॉइंट, जिससे कि लोगों की एनर्जी हल्की सी ऊपर जाए। कोई भी भाषा, कोई भी भाषण देने के पहले हल्का सा ये एनर्जी बिल्डरिंग, हल्की सी। एक और चीज यहां पे क्लियर करूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि आप सभी को इतना बड़ा स्टेज मिले। मुझे आज मिला ये। स्पीच को कैसे शुरू करते हैं? स्पीच को शुरू करने के वेरियस कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई तरह के तरीके हो सकते हैं। जैसे कि हमने कहा, सबसे पहले तो एनर्जी बिल्ड करना ही है। ओके, अगर एक ही मिनट की या दो ही मिनट की स्पीच है तो कोई जरूरी नहीं है कि पहला सेंटेंस में डेवलप करना है, लेकिन पहले 5-10-15 सेंटेंस में या पहले 2 मिनट में 2-4 सेकंड के लिए कुछ ऐसा जरूर हो जिससे कि ऑडियंस की एनर्जी अप जरूर जाए। ओके, अब ये ऑडियंस की एनर्जी, कई बार कोई जरूरी नहीं है कि उनको हम बोले अरे ताली बजा दो या ऐसा कर दो वैसा कर दो, उसी से अप जाए। कभी कभी उन लोगों की एनर्जी इस तरह से भी अप जा सकती है, बोलिए भारत माता की, राइट? ये ऑडियंस की एनर्जी अब चली गई, है ना? बोलिए शंकर भगवान की, ऑडियंस की एनर्जी अब चली गई। हम सभी लोग मिलके एक बार जयकारा लगाएंगे, श्री रामचंद्र भगवान की, ऑडियंस की एनर्जी अप चली गई, है ना? कुछ भी कर सकते हो, मतलब विद इन 2 सेकंड्स आप एनर्जी अप कर सकते हो, जो आपको बोलना है। ओके, तो कोई भी कुछ भी बोल सकते हो आप, एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेबल वाइडली एंड यू कैन लिफ्ट इट अप। उसके बाद आप स्पीच की शुरुआत कर सकते हो किसी कविता से, किसी गाने से, किसी एक्टिविटी से, राइट? किसी शायरी से, किसी बहुत अच्छे कोट से, कोई अपनी पर्सनल जीवन की कहानी से, किसी और के जीवन की कहानी से, कोई किताब की किसी लाइन से, कोई किताब के किसी नाम से, एनीथिंग लाइक दिस। ओके, बस कंटेंट अगर आपका ठीक ठाक है ना, तो आप स्टेज पे कुछ भी करो, स्टेज आपके घर की तरह है। लव दिस प्लेस। जैसे मनीषा जी ने कहा ना, मेरे को स्टेज से बचपन से प्यार है, और अगर मुझे बचपन से प्यार है तो पब्लिक स्पीकिंग नहीं भी सीखी तो मेरे अंदर से आ जाएगी। एंड दिस इज द फैक्ट, हम सभी लोग नेचुरल पब्लिक स्पीकर ऑलरेडी हैं। वी ऑल आर वेरी गुड पब्लिक स्पीकर्स बाय डिफॉल्ट। जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, हम अपने किसी ग्रुप में बात करते हैं, वी आर रियली गुड। हमें सीखने की जरूरत है ही नहीं, बस हमें इस स्टेज से कंफर्टेबल होने की जरूरत है। किससे? हमें लोगों से कंफर्टेबल होने की जरूरत है। हमें ये जो बार बार हम सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, उससे कंफर्टेबल होने की जरूरत है। और उससे कंफर्टेबल होना बहुत इजी है, सिस्टम पता लग गया यू विल बी कंफर्टेबल। और सिस्टम क्या है? शुरुआत किसी गाने से कर दो, किसी शायरी से कर दो, किसी कविता से कर दो, किसी इंसिडेंट से कर दो, किसी उदाहरण से कर दो। तो अब हमें क्या करना है, पब्लिक स्पीकिंग में कोई भी स्पीच आप लिखें तो आप उसको थोड़ा सा इनेक्ट। अब सिंपल एक चीज, एक पब्लिक स्पीकर को कैसे सोचना है, एक मूवी मेकर की तरह सोचना है। हल्का सा सोचो, हाउ कैन आई मेक इट बेटर, हाउ कैन आई मेक इट बेटर, और क्या बेटर हो सकती, कैसे शुरुआत करूं, कौन सी कहानी से, कौन सी एग्जांपल से, कौन सी स्टोरी से, इतना सा ये एंगल लिया। और फिर पब्लिक स्पीकिंग में बॉडी लैंग्वेज एंड टोन की प्रैक्टिस करो। द ग्रेटेस्ट स्किल ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज आई लिटरली मीन इट। अब वो कौन सी सिचुएशन में बोलूंगा, हर सिचुएशन में सेम डायलॉग नहीं होता है, लेकिन वो उस वक्त का माहौल कैसा है, उस वक्त की चीज कैसी है। बस अपनी प्रैक्टिस करनी है, कल जो थे उससे आज बेटर बनना है। देखिए, ये स्पीकर के हाथ में है कि एक पॉइंट को 15 मिनट खींचना है या 15 मिनट की चीज को 5 सेकंड में खत्म करना है। अगर ये चीज मुझे 5 सेकंड में बोलने के लिए या 10 सेकंड में बोलने के लिए बोली जाए तो मैं सीधा बोलूंगा। कैसे बोलूंगा? मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं कि मुझे आगे लेके जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है
कि मेरे देश को मैं आगे लेके जाऊं। ये मेजर ध्यानचंद ने हिटलर को कहा था, और मैं इस मंच से मेजर ध्यानचंद के बिहाफ पे आप सब लोगों को कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच। अच्छा, आपके ऊपर है, आपको देखना है पूरी स्पीच में सेंट्रल मैसेज क्या है, सेंट्रल मैसेज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। 3 घंटे बोलनी है तो मैं 3 घंटे इसी के ऊपर बात कर सकते हैं। इतना आपका प्रैक्टिस हो जाए कि इसी के ऊपर 3 घंटा पूरी स्पीच देने की पड़ जाए, तो इसी के ऊपर पूरी 3 घंटे की, धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी।